नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 9 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग और शादी की तकारीब खुली जगह पर करने की इजाजत होगी। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। स्कूल दोबारा खोलने और इम्तिहानात से मुतालिक फैसला आइंदा बैनल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। सिंध में स्कूल खुलने से मुतालिक फैसला आज होगा। पंजाब काबीना के नामजद वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल में मुलव्वस एक और मुलजिम पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम नाजिम की तस्वीर बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मकतूल मुबशर खोखर को आबाई इलाके मानवाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2 साल पहले भी उजरती कातिल के जरिए मरवाने की कोशिश की गई थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि वेटर की वर्दी पहनकर तकरीब में शरीक हुआ। सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया, कत्ल भाई और चचा का बदला लेने के लिए किया। टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद। नेजा फेंकने के यादगार फाइनल राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। मेडल नहीं जीत सके लेकिन कौम का दिल जीत लिया। अरशद नदीम ने 5वें राउंड में 81.98 मीटर थ्रो फेंका। मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। अरशद नदीम का कौम की दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर तहे दिल से इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के लिए कैश इनाम और ट्रेनिंग स्कॉलरशिप का भी ऐलान। ओआईसी के इंसानी हकूक कमीशन का एलओसी का दौरा। सिरीकोट में सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वफ्द को शहरियों के तहफ्फुज़ और बिला इश्तियाल फायरिंग से बचाव के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वफ्द को भारतीय फौज की फायरिंग के मुतासरीन से मुलाकात करवाई गई। कम्युनिटी बैंकर्स के बारे में भी आगाह किया गया। सीपैक के मामले पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने सीपैक के हवाले से मौजूदा हुकूमत के रवैये को परेशान कुन करार दे दिया। असद उमर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को सीपैक को सियासत से दूर रखना चाहिए। खूबसूरत दरिया पर गंदगी के ढेर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने दरियाए नीलम पर मौजूद गंदगी के ढेर को देखकर कराची वालों से माजरत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा, मैं समझता था कराची वाले सफाई का ख्याल नहीं रखते लेकिन मुझसे गलती हो गई क्योंकि हम सब बहुत गंदे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। We are thankful to Allah that he gave us such a beautiful homeland and we promise him that we will save it. और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजिए और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।